शराब पकड़ी गई है के बारे में क्या कहेंगे? संजीत कुमार थाना अध्यक्ष कलेर के द्वारा, चूँकि ये बॉर्डर का थाना है, कलेर अरवल के बॉर्डर का थाना है, जहाँ से औरंगाबाद के तरफ से या गया के तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं शराब लदी हुई और झारखंड की ओर से बाहर से भी आती है, हरियाणा वगैरह से, पंजाब से, तो इसी रास्ते से नॉर्थ बिहार जाने का ही रास्ता। ऐसी स्थिति में थाना अध्यक्ष, चूँकि पहले भी कई ट्रक और पिकअप वैन में शराब को पकड़े हैं, बॉर्डर पर हमेशा अपना आदमी को लगा के रखते हैं और बिल्कुल कभी शक होता है तो गाड़ी को चेकिंग करते हैं। अमूमन गाड़ी को, वाहन को चेकिंग करते हैं, चेकिंग के दौरान ही ये गाड़ी से पकड़ी जाती है, क्योंकि इस गाड़ी पिकअप वैन पर भी फरी लोड करके रखा गया था, ऊपर से फरी लोड था जिससे पता नहीं चले कि शराब है, लेकिन फिर भी जब गाड़ी को उन्होंने चेकिंग किया, थाना अध्यक्ष या अन्य पुलिसकर्मी के साथ ही अपना चेकिंग किए, चेकिंग के क्रम में ये चेकिंग लगाए थे NH 139 पर पहाड़पुर मोड़ के पास, वाहन अभियान चेकिंग अभियान चला रहे थे, दाऊद नगर की तरफ से आ रही थी एक टाटा 407 चार चक्का पिकअप वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06G3025 है। उक्त वाहन के जांच के क्रम में देखा गया तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लगा हुआ पाया गया। शराब लोडेड टाटा 407 पिकअप वैन गाड़ी चालक एवं सह चालक को थाना पर लाया गया एवं टाटा 407 पिकअप वैन गाड़ी का विधिवत तलाशी ली गई, तो इसमें 750 ml का 30 कार्टून जिसमें 360 बोतल है, 375 ml का 55 कार्टून जिसमें 1320 बोतल है, 180 ml का 30 कार्टून जिसमें 1440 बोतल है, कुल 115 कार्टून 3120 बोतल 1024 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इस संबंध में कलेर थाना कांड संख्या 48/23 दिनांक 2/4/23 धारा 420 467 468 471 भादवी उत्पाद अधिनियम की धारा में केस कांड दर्ज किया गया है। दो आदमी गिरफ्तारी हुई, चालक रामू नायक उम्र 26 वर्ष, पिता स्वर्गीय साधु शरण, साकिन NH 3 बागा चौक नेहरू कॉलोनी थाना फरीदाबाद जिला फरीदाबाद हरियाणा। दूसरा सह चालक है नरेश महतो उम्र 40 वर्ष, तेसर राम इकबाल महतो साकिन पचपकरी थाना ढाका पचपकरी ओपी जिला मोतिहारी, और इसके साथ साथ इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। फोटो ले लीजिए अगर उसका क्या आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अच्छी शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, तो आप ये भी चाहते होंगे कि आपके बच्चों का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास समुचित रूप से हो, तो नए सत्र 2023-24 में अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले प्रकृति के सुरम में स्वच्छ एवं शांत वातावरण में NH 110 काको रोड में अवस्थित महाबुद्धि मिशन स्कूल को एक बार जरूर देखें। नामांकन शुल्क में सामान्य रूप से छात्राओं के लिए 50% की छूट, इसके अतिरिक्त नामांकन जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए 100% तक की छूट। महाबुद्धि मिशन स्कूल।